हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन फ्रॉम माइंड। गाइस, आप इस चैनल पर डेली जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स पाते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल आपके लिए होने वाली है, अगर आप एक बेस्ट आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो, क्योंकि एससीएल कंपनी में एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई जिसमें आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है। गाइस, यहाँ पर आपका मशीन लर्निंग हायरिंग चैलेंज चल रहा है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के बाद आप बिजली एससीएल कंपनी में जॉब सिलेक्शन पा सकते हो। पूरी बात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको पार्टिसिपेट करना कैसे, हायरिंग चैलेंज का प्रोसेस क्या होगा, पोस्ट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस तरह के जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर गाइस, जैसा कि स्पेसिफिकली मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप जाकर सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहां पर एससीएल कंपनी में एज ए मशीन लर्निंग हायरिंग चैलेंज 2020 यहां पर गाइस स्टार्ट होने वाला है। यहां पर गाइस जो कोडिंग का चैलेंज है वो 16 मार्च 8:30 मॉर्निंग से लेकर के 29 मार्च तक है, जिसका ड्यूरेशन 30 डेज अप्रॉक्स में है। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको इस टेस्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। तो इसके लिए आपके पास कोडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यहां पर गाइस जो आपकी जॉब रिक्रूटमेंट होगी वो मशीन लर्निंग डेवलपर के पोस्ट पर होने वाली है। प्रोग्रामिंग चैलेंज है, आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास 0 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और एससीएल कंपनी में यहाँ पर इस इंडस्ट्री में इजली जॉब रिक्रूटमेंट ले सकते हो। चैलेंज के बारे में और कुछ जानना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक के थ्रू चेकआउट करके यहाँ पर सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर गाइस हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर गाइस जो जॉब रिक्रूटमेंट है वो मशीन लर्निंग डेवलपर के पोस्ट पर होने वाली है, जिसमें आपकी एक्सपीरियंस है वो 0 to 8 ईयर्स की है, तो आप इजली अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट इन इंडस्ट्री जो भी सैलरी होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर गाइस जो जॉब लोकेशन होगा वो नोएडा में होने वाला है। 5 ओपनिंग्स हैं इस पर्टिकुलर जॉब रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पर गाइस आपको क्या क्या स्किल सेट रखनी होगी आप इस जॉब रिक्रूटमेंट पर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, इमेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग के बारे में डेप्थ नॉलेज है, तो आप इजली अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में अगर आपके पास कोडिंग में सी या सी प्लस प्लस या फिर पाइथन, टेंसर फ्लो, सी यू डी ए टूल किट, सी यू डी एन एन, थेनो, कोफे, टच, ओपन सी वी, अगर आपके पास लाइब्रेरी में स्किल सेट है तो भी आप इजली आप जावा को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर गाइस जो मेन कुछ चीज़ है, यहाँ पर आपको पाइथन आनी चाहिए और मशीन लर्निंग पे आपको वर्क करने आना चाहिए कि कैसे एल्गोरिथम मशीन लर्निंग में क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर प्रोसेसिंग का काम करते हैं, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर बैचलर डिग्री आपके पास हो तो आप इजली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर गाइस साफ साफ आपको लिखा मिल जाएगा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 0 to 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डिग्री है, किसी भी ईयर के पास आउट स्टूडेंट हो तो अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करने के बाद बस एक नॉर्मल कोडिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने स्किल सेट के थ्रू आप एससीएल कंपनी में यहाँ डायरेक्ट जॉब रिक्रूटमेंट ले सकते हो। यहाँ पर गाइस आप सारी चीज़ों को इजीली चेकआउट कर लीजिएगा और इस रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अपने डिटेल को एंट्री करके आप इजीली रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आपको कोडिंग में पार्टिसिपेट कर लेना है। आई होप गाइस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका करियर आपका ब्राइट हो सके। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।